हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलमी का बड्स 2 कैसा है, सही है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको आज दूंगा। और वैसे भी ये जो है सो अदर जितने भी मिल रहे हैं मार्केट में उससे बेस्ट है साउंड के मामले में, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। और फिर मैं वीडियो भी आपको बना के डाल दूंगा कि इसका बेस कैसा है और कैसा साउंड की क्वालिटी है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। देखिए, इसमें लिखा आ रहा है रियल बड्स 2 फील द रियल बेस, और कुछ ही ऐसा कुछ ये है वाइट में। अच्छा, बॉक्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी की है। इस साइड रियलमी लिखा हुआ है जो वाइट और का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे में भी कुछ नहीं है, और इस साइड भी रियल लिखा हुआ, रियलमी लिखा हुआ है। और अगर बैक साइड करते हैं इसको तो बैक साइड में कुछ डिटेल दी गई है। ये देखिए, लिखा हुआ है कि 11.2 mm की बेस बूस्ट ड्राइवर है, मल्टी इन मैग्नेट है, दोनों साइड से है, और ये एंटी ट्विंग केबल और केबल ऑर्गेनाइज़र, ये दोनों चीज़ दे रखा है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं जो ये चीज़ है। इसमें जो प्राइस इसका 799 है, लेकिन आप इसको अगर उसमें लेंगे डील्स में तो ये 599 के करीब आ जाता है अप्रोक्स। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें और है। तो ये मैं सील को कट करता हूँ और बॉक्स को खोलता हूँ, और ये इसको मैंने बाहर निकाला। ये स्ट्रिप बहुत प्यारी लगती है निकालने में। इसको टर्न करके ऑन अदर साइड से निकालते हैं ताकि जो एयरबड्स है वो हमारे साइड निकले। वो बैक साइड था, ये फ्रंट साइड है। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है निकालने के बाद, और काफ़ी कलर जो है एकदम एक्यूरेट है। जो ऑरेंज कलर जो एज ए फोटो में दिखता है उससे बेस्ट कलर है। तो इसको चलिए इसको निकालते हैं। एक कुछ कवर लगा हुआ है, इसको निकालने के बाद ये नीचे देखिए, इसकी पूरी स्ट्रिप यहाँ नीचे आई है, और ये देखिए यहाँ से ये इस खींचने पे ये बाहर आ जाता है। और ये जो है वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और इसी में माइक है। फिर ये इसको निकालते हैं, और ये है आपका एयरफोन। इसको रखते हैं हम साइड में, और इसके अंदर जो है एक मैनुअल है। ये पर इसमें रियलमी बड्स 2 लिखा हुआ है, ये देखिए यूज़र गाइड करके मैनुअल है। इसके हमें वैसे कोई काम नहीं है, बस इसमें बता रखा है कि वॉल्यूम अप डाउन इससे यूज़ कर सकते हैं। और एक जो बटन है वो कॉल कट करने का है, और प्ले भी, म्यूज़िक प्ले हो तो उसको म्यूट करने का भी, ये चीज़ें हैं। कॉल को रिसीव और कट कर दोनों कर सकते हैं इसके साथ। तो ये देखिए कुछ पेपर वर्क है इसमें, बहुत सारी चीज़ें, वारंटी का इशू, वारंटी जो होती है उसके बारे में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। और ये 6 मंथ की वारंटी देता है। और इसके साथ ना ये कुछ, ये देखिए बड्स दे रखे हैं। ये 3 साइज़ में आते हैं, एक जो लार्ज होता है, एक मीडियम होता है, और एक स्मॉल में आता है। ये देखिए लार्ज है, अगर आपके कान में जो उसमें लगा हुआ आता है वो आपको मीडियम लगा हुआ आएगा, और जो ये दो होंगे एक स्मॉल होगा और एक पेयर, और एक पेयर होगा लार्ज का। तो आपके ईयर्स में जो फिट बैठता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ ऑलवेज फिट ही आता है लोगों को। लेकिन किसी का अगर नहीं आता तो आप साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको निकाल के। तो ये रहे, इसको हम रखते हैं फिर साइड में, और इसको ठीक से फिर अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये आपको देखने को ये मिल रहा है। देखिए इसके साइड में जो ये जो यहाँ पे है इसमें मैग्नेट है यहाँ पे, और एक ब्रांडिंग भी कर रखी है जो रियलमी का जो लोगो है R, ठीक है। और आगे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये जो है प्लास्टिक का है, पूरा मेटल नहीं है।
और ये इसको निकालने के बाद अब ये देखिए कुछ ऐसा। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जो इसके इस वायर जो है, वायर उसको कवर कर रखा है उससे, थ्रेड से। तो इसमें ना जो आपको ये जो ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट दे रखा है, इससे आप जैसे कहीं पे हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक है, फुल प्लास्टिक है, कोई मेटल वेटल का यूज़ नहीं किया हुआ। ये जो ये वायर गया हुआ है ना, ये अच्छी क्वालिटी की वायर है, कोई बेकार नहीं है। तो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें ना कुछ लाइनिंग बनी हुई है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ है, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बने। और ये जो है वॉल्यूम अप डाउन, ये डाउन और ये अप, और ये बीच में जो ये कॉल कट और वो करने के लिए माइक है। और यहाँ पे एक कनेक्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, जो दोनों में, दोनों एयरफोन्स में जाए। और ये जो है ये वायर है, वायर में जो है ना ये बहुत अच्छा है, जो ऐसे इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो है वो ज़्यादा अच्छा, जो बिल्ड क्वालिटी बोलेंगे ना बहुत अच्छा है 600 के प्राइस में। और ये जो एक ये दे रखा है ना, ये और बेस्ट है। इसके वजह से ना आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। और आगे जो ये दे रखा है, गोल्ड प्लेटिंग नहीं दे रखा है, ये जो है आपको ये सिल्वर ही है, गोल्ड का नहीं दे रखा प्लेटिंग। अगर इसमें दे रखा होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो क्वालिटी अच्छी है इस प्राइस रेंज में, बहुत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखिए, कितना भी आप इसको, जैसे और वायर्स होते हैं आपके एयरफोन्स होते हैं, उसको जब एक जगह ऐसे इकट्ठा करते हैं, फिर जब उसको खोलते हैं ना, तो वो आपको क्या होता है कि वो उलझ जाता है वो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप एक बार वायर को खींचेंगे और ये पूरा जो है वो खुल जाएगा, ताकि आप इजीली जो है यूज़ कर पाएँ। बाकी एयरफोन्स के तो अभी वो क्या होता है कि इसमें जो वायर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट क्वालिटी के होते हैं, तो वो क्या होता है वो आपस में चिपक जाते हैं और फिर सही से वो खुलता नहीं है, वो फंस जाता है। और वो ज़्यादा प्रेशर डालने से क्या होता है, वो खिंच जाता है और उसका ना जो ड्यूरेबिलिटी बोल देंगे वो ज़्यादा नहीं रहता। चलिए अब इसको मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ, और जो वो स्ट्राइप दे रखा है उसको लगा के दिखाता हूँ कि कैसे कैसा लगता है ये, और किस लिए ये सही है बाकी एयरफोन से इस रेंज में, जो इस रेंज में बाकी एयरफोन से ज़्यादा अच्छा क्यों है ये मैं बताता हूँ। और अगर आप बेस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बेस नहीं होगी, जैसा आप सोनी का होता है वैसा नहीं होगा, लेकिन उससे बेटर होगा, उससे बेटर नहीं होगा मतलब कि उससे कम होगा बेस जो होता है। सोनी के जो एयरफोन्स आते हैं उसके बेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो, यहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मली कर रखा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे अगर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके माइंड में कमेंट है वो आप नीचे डाल सकते हैं, कोई सजेशन है तो दे सकते हैं। तो थैंक यू।